नमस्कार, आज के समाचारों में आपका स्वागत करती हूँ। पेश है आज के मुख्य समाचार। न्यूयॉर्क से शिष्टमंडल सिख इतिहास और सभ्याचार के बारे जानकारी जुटाने पहुंचा पंजाब। प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया योजना की आज अमृतसर में भी हुई रस्मी शुरुआत। जाम्बिया निवासी युवती को अमृतसर में किया सुपुर्द एक खाक। अब खबरें विस्तार से। निगम में आज हाउस की मीटिंग में अकाली पार्षदों ने निगम के ऑफिसर के द्वारा हो रही धांधली के ऊपर अमृतसर के मेयर को आड़े हाथों लिया। साथ ही उनका कहना है कि आला अधिकारियों की मिलीभगत के साथ नजायज कब्जे हो रहे हैं। वही कांग्रेस ने काली पट्टियां बांध इसका विरोध किया। इस पर अकाली पार्षद का कहना है कि निगम की कई जगहों पर विभाग के द्वारा कब्जे किए हुए हैं। साथ ही इस मामले में उन्होंने अपनी आवाज बुलंद भी की। बिल्डिंग डिपार्टमेंट जिहड़ा साडा एमटीपी डिपार्टमेंट भी कहांदा है, उस दे बारे कौंसलर्स ने कुछ बिल्डिंग्स दे बारे किया है भाई, वह बिल्डिंग जड़िया वै उ लैंड यूज चेंज लीते बगैर वो काम जरा हो रहा है। डिपार्टमेंट्स का ऐसा कहना सी भी वो जड़ा जिन्ना पैसा आना चाहिए सी हाले नहीं आया, वह पार्ट आया वै उन्होंने ऑर्डर करता गया कि कोई भी इलीगल बिल्डिंग जी है वो बनन ना दिती जाए। और जड़ी बिल्डिंग्स इतने पॉइंट आउट किए गए ने वह सारी बिल्डिंगा चैक करके उन्हों को जोड़ा बनता पैसा वै वो लिया जाए, नहीं तो 15 दिनों के बिल्डिंगा रोक के बंद करके उन्होंने अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। समार्ट सिटी के बीच जड़िया कंडीशन लगाई गई हैं वो कंडीशन के बीच कुछ अमृतसर के नाते नाल कुछ कमियां है, वो एक इम्तहान है, नंबरिंग है वो वह बकायदा तौर पर इमीजिएट कोई ऐसी गल नहीं है। वो असी सारिया जड़िया कमियां वे उन्हों दूर करके समार्ट सिटी वास्ते असी तैयारी करनी है कि असी उस परीक्षा दे विचों पास होइए। लेकिन अमृतसर जिहड़ा पहले ही समार्ट सिटी डिकलेयर हो चुका है क्योंकि अरुण जेतली जी ने इस लोक सभा दे विच बजट सैशन च अमृतसर नूं क्लीयर करता सी। लेकिन इस दे बावजूद भी जिहड़ा भी उहदे मापदंड है उस मापदंड नूं सारियां नूं असी जिहड़ा वै वह एक एक स्टैप लैके असी पूरा करांगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे सब नूं पता है कि टेंडर हो चुके ने और 109 करोड़ रुपए का काम है। पंजाब सरकार ने कमिश्नर साहब नूं ऑर्डर कर दिता है भी तुसी फाइनैंशियल बिड जी खोलो, वो असी 5-7 दिन हफ्ते के फाइनैंशियल बिड खोल देंगे और इको ही मतलब है और उसके बाद असी FNCC च लिया के इस काम नूं मतलब करवाएंगे। देखो कारपोरेशन दे विच जो जनता ने सानू चुन के भेजा उन्हां दी मुश्किलां दा हल करना साडा पहला फर्ज बनदा। इस चीज़ नूं साडा विपक्ष पिछले काफ़ी समय तो लगातार उठाता रहा सी लेकिन मेयर साहब ने इस वल ध्यान नहीं दिता। हुण जदकि विपक्ष के नाल नाल सत्ता पक्ष के अपने कौंसलर ते अपने ही BJP दे लीडर उन्होंने अपने BJP दे कौंसलर अकाली दल दे कौंसलर ये दोनों ही मुद्दे चुक रहे ने, लोगों दी मुश्किलां दस रहे, इस करके सानू कुछ कहने की लड़ नहीं, इन्होंने सानू बोलन का मौका नहीं देंदे, वो आप ही लड़ लड़ के दस रहे इस चीज़ में। मूँह बनन का सानू पिछली बारी भी हाउस के साडे विपक्ष के नेता लिए उन्होंने हाउस के आने बैन लाया है जरा कि अच्छ मेरे ख्याल बैन चुक लिता गया। लेकिन मेजर गल ये कि हाउस की मीटिंग के विपक्ष में बोलन नहीं दिता जाता, लोगों के हितों दल नहीं की जाए, जे मुद्दे लोगों के हितों लिए उन्होंने नहीं क्लीयर किया जाता, जिस करके ही विपक्ष ने अज काली पट्टिया बन के अपना विरोध जारी। विकास में सत्ता पक्ष ज़्यादा बेहतर तरीके अंदर हाउस दस रही है कि किन्ना को विकास हो रहा है, किन्ने को करप्शन का कोलमाल कारपोरेशन से चल रहा, वो बड़ी चंगी तरह से स्पष्ट तौर पर दस रही है सत्ता पक्ष खुद ही। हाउस के दास ने यही गल बोली कि MTP डिमांड डिपार्टमेंट वालों जो कोट खालसा विखे एक पंचायत की जगह जो कि कारपोरेशन की लैंड से कन्वर्ट हुई है उसके उत्ते को कब्जा करने वाले ने कब्जा किया। MTP ने कहा, ATP ने कहा, ATP मान जो पट्टी साहब जी 1 लाख रुपया लै के उन्होंने गोलमोल करते ही घट्टो 1.5-2 महीने के प्रोसैस चलता पाया लेकिन उन्होंने गौर नहीं की।
लेकिन अज ऑफिस के माननीय मेयर साहब ने एक हफ्ते का टाइम लिया कि एक हफ्ते रिमूव करवा दिता जाएगा। अफसर साहब बिल्कुल हैवी है जी, कहना नहीं मनती, लेकिन जिथे इन्होंने पैसे ले होंगे उत्थे काम नूं टाल मटोल करदे। जॉनसन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क की ओर से पंजाब और सिख इतिहास पर रिसर्च करने के लिए एक शिष्टमंडल आज अमृतसर पहुंचा। इसके बाद ये शिष्टमंडल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब पहुंचा और नतमस्तक हुआ। इस मौके पर SGPC के प्रधान अवतार सिंह मक्कड़ ने सभी को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे सिखों के बारे में विदेशों को जो गलतफहमी है और जो नस्ली हमले हो रहे हैं उन पर कुछ अंकुश लगेगा। एक जिला डेलीगेशन है आया अपना बाहरों अमेरिका जो जिला डेलीगेशन आया ये डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों दिया डॉक्टर GS कंग दिया बहुत एफर्ट्स से सरकार बड़ी मेहनत सदका डॉक्टर वाई जॉनसन एंड डॉक्टर रानी चौधरी के सहयोग नाल डेलीगेशन इतने आया और सिख सभ्याचार सिख कल्चर सिख धर्म को समझने पंजाबी भाषा समझने लिए सिखा की जी होंद है या सिखा का जो पहचान है उन्होंने समझने लिए डेलीगेशन इतने आया। मैं समझा कि बहुत खुशी की गल है साढ़े लिए डॉक्टर ढिल्लों डॉक्टर बलवंत सिंह ढिल्लों होना ने एफर्ट करके डॉक्टर कंग ने इन्हों इतने लिया और साड़ी पहचान में समझ के जाएंगे ताकि जी सा मिस्टेकन आइडेंटिटी है जी सा खिलाफ नस्ली विचके जे साढ़े हमले हो रहे हैं और मैं समझा कि सारे टीचर्स ने एक कुदरती तौर पर सिखा दी कुरबानियों के बारे समझ के जाएंगे सिखा वालों की प्राप्तियों के बारे समझ के जाएंगे सिखा वालों दुनिया के विचरद दुनिया के मुल्कों की आज़ादी बचाने लिए यूरोपियन कंट्री की आज़ादी बचाने लिए पगड़ी तारी सिखा ने जो कुरबानियां कीतिया ने वर्ल्ड वार फस्ट वर्ल्ड वार सैकंड जो ये सारे तत्व समझ के जाएंगे तो कुदरती तौर पर जी सिखा की मिस्टेकन आइडेंटिटी है वो भावनावान दूर करने के सहाई होएगा। तो मैं इस वास्ते उन्होंने जी है कहना वेलकम करना और इस तरह के जोड़े मैसेज ने इस तरह के जोड़े डेलीगेशन ने वो आते जाते रहने चाहिए ने ताकि वो सानू समझ सकन तो असी अपना स्नेहा जोड़ा बहरले मुल्क के लोगों को दे सकी और असी उन्होंने समझ सकिए। मिशन अमेरिका जॉनसन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के वलों ये प्रोग्राम एक्सपलोरिंग पंजाब हिस्ट्री लैंग्वेज एंड कल्चर के संबंधी एक कोर्स तैयार किया गया है जो डॉक्टर जॉनसन और डॉक्टर रानी चौधरी ने अमेरिका तो बैठ के इस दे बारे एक फुलब्राइट फाउंडेशन इस दे बारे प्रेरित किया कि सिखा के संबंध में बहुत सारिया गलतफहमिया ने उन्होंने कई बार नस्ली वितकरा भी होंगे तो इस संबंध में जिथे साढ़े सिख भाईचारे के विद्यार्थी स्कूलों ज़्यादा गिणती पढ़ते हैं उतों के अध्यापकों चुन के इतने लिया जाए पंजाब तो उन्होंने पंजाब के इतिहास बारे सिख धर्म बारे और सिख सभ्याचार बारे जानकारी दी जाए उस तो इलावा उन्होंने पंजाबी भी सिखाई जाए। सरदार जथेदार अवतार सिंह जी मक्कड़ ने इन्होंने स्वागत किया इन्होंने सरोपा दिते ने और उस तो इलावा सिख धर्म की पुख्ता जानकारी देने वाली किताबों का एक एक सैट भी इन्हों पढ़न दे लई दिता है और होर भी सहयोग दे उन्होंने वादा किया है कोऑपरेशन दे लई असी उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने इत्थे इन्हों का स्वागत भी किया है इन्हों आशीर्वाद भी दिता है तो अगों तो भरोसा भी दिता है कि यहो जे प्रोग्राम जदों भी वो लिखणगे वो श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी इस दे विच उन्हां दा पूर्ण साथ देवेगा। न्यूयॉर्क सिटी पॉपुलेशन न्यूयॉर्क सिटी पब्लिक स्कूल्स इज ग्रोइंग by leaps and bounds, and we teachers came to Punjab to study the language and the culture of and the religion of Punjab. We don't know very much about this particular population, yet we're getting many students from this Punjab region in India. And so our government shared our vision of coming over to explore firsthand the culture and the language of Punjab. जिस तरह सारिया ने कह दस दिता है मैं सिर्फ एड ये करना चाहवागी कि जेडे टीचर्स ने अज इतें आए हुए
नॉट ओनली कि इन्हों ने अपने आप जो सीखा है सीखना है या इतने फील करना है वो ही करना है। तुसी इमेजिन करो कि इन्हें किन्नी दूर जाना है, इस विजन ने किन्नी जनरेशन्स दे विच पंजाबी कल्चर पंजाबी साहित्य सिखां दा रिलीजन एंड दीज टीचर्स आर गोइंग टू स्मेल फील टॉक वॉक विद द पंजाबीज एंड द वे दे विल अंडरस्टैंड एंड टेक इट विद दैम। आई डोंट थिंक एनी बुक कैन टीच दैम ले और अपने पंजाबियों ले और अपने आने वाले बच्चों ले असी जो कुछ करांगे और करना चाहते हैं ये उन्हों की सिर सिर छाया दे थले। मैं उन्हों की बहुत प्राउड फील करनी हूँ। वी आर वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दैट। आज अमृतसर में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ द्वारा आबादी तुंगबाला मजीठा रोड के इलाके इंदिरा कॉलोनी में चल रहे रोजमेरी स्कूल में ईसाई भाईचारे को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए पंजाब पदरी मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सूबे के 22 जिलों के साथ संबंधित फादर पास्टर प्रचारकों के ईसाई भाईचारे के प्रमुख आगुओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला पद्धर पर की गई नियुक्तियों में पास्टर कुलदीप मसीह को जिला अमृतसर, पास्टर मकबूलपुरा को जिला तरनतारन, पास्टर अशोक रवि को जिला गुरदासपुर आदि नियुक्त किया गया। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के रूप में राष्ट्रीय ईसाई महासंघ के राष्ट्रपति जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर किशत्ति इब्राहिम पहुंचे। इस अवसर पर डॉक्टर सुभाष मसीह थोपा को जनरल सेक्रेटरी के अलावा राकेश रवि, अमनदीप गिल को संगठन मंत्री और जॉर्ज मसीह को सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। मैं डॉक्टर क्रिस्टी इब्राहिम हूँ। मैं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। हम पंजाब में आए थे और पंजाब इकाई की आज राष्ट्रीय ईसाई महासंघ का गठन हुआ है, जो काफ़ी समय से लगभग 3-5 साल से लोग की एक अपेक्षाएं थी कि कोई ऐसा संगठन हो जो ईसाई समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जिसके साथ वो जुड़ना चाहते थे। तो ये एक संगठन है जो राष्ट्रीय संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन है। सभी के साथ मिल के हमने एक कार्यकारिणी बनाई है और आगे विस्तार हम आगे आने वाले आगामी माह में करेंगे, और साथ में उसी समय में हम एक शपथ ग्रहण समारोह भी रखे हैं जिसमें हम पंजाब के, शायद हो सकता है कि हम चंडीगढ़ में करें। ये प्रोग्राम हमारा हुआ आज जो राष्ट्रीय सिख महासंघ है, जो एक राष्ट्रीय पाते है और राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर अब्राहम जी आए और उन्होंने पंजाब दे विच इस चीज़ नू शुरुआत किया कि जे पंजाब ईसाई भाईचारे दे लोकां दे नाल जिहड़ी सेंटर गौरमेंट तक गलबात जो साडियां मुश्किलां ने नहीं पहुँचदियाँ उन्हां नू पहुँचाउण दे लई इन्हां ने इस ईसाई महासंघ नू स्टार्ट किया और अज जो उन्होंने नियुक्तियां दित्तियां जिस दे विच वख वख पास्टर साहिबान और वख वख पार्टियां दे अहुदेदार भी शामिल होए और असी सानू जो जिम्मेवारियां दित्तियां गईयां असी उन्हां नू डॉक्टर साहब नू जे विश्वास दिवाउने आ कि बहुत ही तन मन दे नाल उन्हां नू निभावांगे और इस नू बहुत बुलंदियां तक पहुँचावांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया योजना की आज अमृतसर में भी रस्मी शुरुआत की गई। यहां नो योर पटवारी ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत लोग घर बैठे अपने इलाके के पटवारी के साथ संबंधित काम खुद कर सकेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अपने इलाके के पटवारी की जानकारी नहीं होती और संबंधित काम करवाने में भी मुश्किलें आती हैं। इसके अलावा सुविधा सेंटरों को मिलने वाले अलग अलग सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। विनतीकारों की तरफ से दी गई अर्जी और ऑनलाइन सारे संबंधित कर्मचारियों के पास से प्रवानगी ली जाएगी और ऑनलाइन ही तमाम जिम्मेदारियां मिलने के बाद विनतीकारों को सर्टिफिकेट की कॉपी जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी वालों जरा डिजिटल इंडिया वास्ते जरा परसों तो एक तीक शुरुआत की गई सी, कल स्टेट लैवल मानयोग मुख्यमंत्री जी शुरू कर शुरुआत की गई सी, अज असी डिस्ट्रिक्ट लैवल से अमृतसर विखे शुरुआत की है, कल तो सब डिविजन पद्धर से जिला पद्धर से भी जो शुरुआत हो जानी है। इस संबंध ये डिजिटल वीक बारे सारिया जी अं कारवाइया करनिया ने
जो असी कुछ करना वो बारे दसया गया अपने सारे जिहड़े इत्थे मुलाजम जां होर जिहड़े अफसर साहब इकट्ठे होए ने उन्हां नूं दसया गया वा कि जो भी हुण काम कर रहा वो सरकार दा कामकाज डिजिटाइज होना वा पेपरलैस होना शुरू होना वा तां कि किसी भी लैवल ते कोई वैकेंसी ना होवे हर कोई जिहड़ा भी क्लर्क लैवल ते काम हुंदा वो ऑनलाइन सिस्टम काम होवे उस तो अगे असिस्टेंट को चल जाए असिस्टेंट जो फाइल क्लीयर करे ऑफिसर साहब उन्होंने को चल जाए तो जिहड़े ऑफिसर ने डिसीजन लैना उस तुहाडा बैक दे विच वापस आ जाए। अमृतसर वास्ते स्पैशल असी जिहड़े शुरू किए ने एक नो योर पटवारी कि आम करके लोगों की मुश्किल होंगी कि उन्होंने उन्होंने एरिए पटवारी का पता नहीं लगता कि वह कौन पटवारी है वो भी असी उन्होंने ऑनलाइन करता कि वह जो मर्जी घर बैठे अपने जिन्हों को इंटरनेट की सुविधा हैगी जेडे वो अपने एरिया पा के उन्होंने पटवारी बारे जानकारी मिल सकती कि उन्होंने पटवारी जरा कौन है। इस तो अलावा जो वक् वक् किस्म के ही सुविधा के सर्टिफिकेट्स जारी करते हैं वो आम करके होंगे कि जो सर्टिफिकेट अपलाई करता कोई भी बंदा तो वो रिपोर्टिंग करने वास्ते थले पेपर जाते हैं तो उन्होंने तीन चार दिन या हफ्ता टाइम लग जाता उन्होंने रोकने वास्ते ही किया कि जो भी वो करेगा वो पेपर स्कैन करके जी एप्लीकेशन तो कंसर्न जरा वा क्लर्क आ जा असिस्टेंट है वो कोल पल जाएगा ऑनलाइन वो अपनी रिपोर्ट करेगा ऑफिसर साहबान चलेगा जो ऑफिसर साहबान उन्होंने यस कर देंगे कि सर्टिफिकेट इशू करना वा दैन वो वापस सुविधा ऑनलाइन ही आ जाएगा तो सुविधा वाले प्रिंट करके जो वापस कर देंगे। डिजिटल जिहड़ा हैगा इंडिया का मेन मकसद यही है कि जिहड़े साडे आम नागरिक ने उन्हां नूं चंगी सुविधावां दित्तियां जाण टाइम सिर सुविधावां दित्तियां जाण ते जो भी सरकार की कार्रवाई उन्हां नूं सारी कार्रवाई बारे लोगों को पता होवे ओपन टू आल पब्लिक हो किसी नूं ये ना होवे कि कार्य सरकार कार्रवाई कर रही वो बारे पता ना हो ओपन टू आल होवे ते उन्हां नूं वधिया सुविधा मिले जिहड़े इंटरनेट जांदे ने उन्हां नूं घर बैठे ही सुविधा मिलदी। ईवन इत्थों तक होएगा कि जिन्हें पेंशन कोई अपलाई करनी है अपने सघन स्कीम अपलाई करना वा एप्लीकेशन उन्हूं भी घर बैठे अपने ऑनलाइन जिहड़ा अपने नैट ते खोल के वो अपलाई कर सकदा। आम आदमी पार्टी के नैशनल काउंसलर के नेता अशोक तलवार के पिता ने अपने बेटे पर धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जायदाद पर कब्जा करने के लिए उनका बेटा उनको प्रताड़ित करता है और साथ ही अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता होने की धमकी भी देता है। आम आदमी पार्टी की एक जुटता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि किस तरह से ये अपनी ही पार्टी के लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं, साथ ही इस मामले पर पार्टी के आला नेता क्या फैसला लेते हैं। मैं कहना चाहिए है गया है कि ये शुरू चाहिए बहुत डिजिटल दे रहे पे भीतियां कर रहा है ये क्यों करता चाहिए तो हूँ ना बना एक बार मैंने उन्हें कारखानों का ये गलों पढ़ के यानी बार कर देता सब को मेरे नौस तो चार दिन दे बेच पाया चलो तो बेजोर है कि हाँ छोड़ो बेचो मेरे पास मारी पेंशन मिलती जी कोई मैं पैसे जो फाइनेंस भी करता चो भी कर रहा एनी हो क्या मतलब इन्होंने कट के बाह मारिया हूँ इन्हें सब कुछ अपना एक कारखाना बेचता कोठी बेच दी वो ये मैं कला रह गया मेरी वाइफ जी डेथ होगी बाहर मैं कि चपेटा साढ़िया पैनिया बाहर निकल जाओ मेरे ना फर्क मेरे बड़े है मैं जुलूस कड़ा फिर इदन नहीं कहने की कहने अशोक जी जड़े है मेरे ताया जी है तो वो दादा जी रेगूलर धमकियां लगा रहे हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का एक वड्डा लीडर है तो मैं कुछ भी कर सकता मैं MLA दी टिकटा भी मिल गई मैं दो MLA दी टिकटा मिली तो MLA का इलैक्शन हूँ इस बार मैं ही लड़ना नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी चो तो मेरा पक्की गई सीट तो मैं कुछ भी कर सकता तुम हिसाब ना रहो तुम इतों निकलो एक प्रॉपर्टी है जिद उपर दादा जी का पूरा हक है तो वो उपर वो कब्जा करके बैठा उपरला पोर्शन सारा वो कोल है तो थले वाले पोर्शन के कुछ हिस्सा उन्हें कब्जा किया जिदा कुछ अलमारियों के ताले लगाए है कुछ रसोई के उपर कब्जा किया सब तो व्डे जरा रजिस्ट्री के पछे पिया है कि रजिस्ट्री मेरे नाम करो तो प्यो की रजिस्ट्री जिस दे मर्जी नाम कर सकते जी इन्होंने सानू अशोक तलवार बारे अपने बेटे बारे गल दसी जिदी कि इन्होंने प्रधान जी भी गल हुई है इस मसले से कि आम आदमी पार्टी कभी भी ओहजे बंदे सपोर्ट नहीं करती जिहड़ा अपने बजुर्गों नाल इस तरह करता है उन्होंने प्रॉपर्टी का न्याय कब्जा करता या उन्होंने तंग करता असी एक सिस्टम नूं चेंज करने वास्ते आए हैं ये नहीं कि अपने घर के लोगों को तंग करे इहोजे बंदे की पार्टी में कोई जगह नहीं है। असी केजरीवाल नूं यह चिट्ठी लिख के देंगे असी वो चिट्ठी जिहड़ी आ अगे भेजांगे जिहड़ी कंप्लेंट की है वो अभी प्रधान जी नूं देवांगे अते केजरीवाल नूं भी देवांगे कि वाकई ये बंदे ने एक काम गलत किया। गांव वडाला कलां के निवासी एक नौजवान गुरजीत सिंह के साथ उसके ससुराल वालों की तरफ से उसके साथ कथित रूप से मारपीट का मामला सामने आया है। लड़के का आरोप है कि उसकी पत्नी मनप्रीत कौर शादी के बाद से ही उसे अलग रहने के लिए दबाव बना रही थी
और इसी के चलते वह अपने मायके जाकर रहने लग गई। कहा कि जब वह उसे 29 जून को उसे लेने के लिए गया तो उसके ससुराल वालों ने पहले उस पर अलग रहने का दबाव बनाया, फिर उसके साथ मारपीट की। इस संबंध में जब लड़की वालों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मनप्रीत के ससुराल वाले उनकी बेटी पर दहेज और उसके पिता की जमीन उनके नाम करने का दबाव डालते हैं। इस संबंध में जब थाना SHO के उच्च अधिकारी के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मेरा नाम गुरजीत सिंह है, वडाले कलां दे रहा हूं। बस कोई नहीं, आडोन बारे कुड़ी कहंदी ही। हां जी, ते मेरे 1.5 साल ते जदों को मेरे ब्याह नु महीना को होया ते कहन लगे मेनू आडो जा जा करूं अपने भरा दे नालों। मेरा छोरा साहब भी आते दबा पाँगा ही, वो नंबर का वो पिस्तौल ही, वो मैंने डरावे भी तू आडो जा आडो आ चक्कर हो जी। मैं कोई मेरे उन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं होया पहला, बाद चो उत्थे जाके मैं गया तो ये मैनू इदा वा तू फलाने तू तू अपने आडो जा वो ले लाना चाहते हाँ इदा उदा वा ये मैनू गाल गूल डह पे मैनू बहुत सारा ਮਾਰਿਆ। ਚੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹੋ ਵਰਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਉ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 5 ਕਿੱਲੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੜਦੇ ਘੁਲਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਿਖਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਇਆ ਆਪ ਆਇਆ ਵਾ, ਜੱਠਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ, ਸੱਸ ਆਈ ਆ, ਜੇਠ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ, ਮੁੰਡਾ ਲੈਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵਾਹੇ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਫਾੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਹੀ ਦੱਬ ਚੜਾਇਆ ਡਰਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਫਲ ਸੀ ਉਹ ਫੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰਫਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਲੱਕ 'ਚ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਆਂਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਆਂਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਜਾਇਦਾਦਾ ਕਰਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ। ਮੰਗ ਇਹੋ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਲੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ, ਫਰਵਰੀ 14 'ਚ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਹੁਣ ਦਿਨ ਕੱਟ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਵੀ ਲਾਉਣ ਪਏ, ਕਈ ਕੁ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਉੱਦਣ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮਿਲਣ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਤੇ ਆ, 22 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਈ ਮਿਲਣ ਗਿਣ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ ਉੱਦਣ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਟਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਟਵਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਸਹੁਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੀ, ਜੇਠ ਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮਾਮਲਾ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੜਕਾ 2 ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਤੇ
ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ गुरदासपुर के एक गांव के पूर्व सरपंच ने खुद अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर से कनपट्टी पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले पूर्व सरपंच गुरविंदर सिंह ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें उसने अपनी मौत की वजह अपने पंजाब पुलिस से सेवामुक्त एएसआई पिता ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सौतेली माँ और अपने कारोबारी पटवार और अन्य समेत 6 लोगों को जिम्मेदार बताया है। वहीं पुलिस की तरफ से इस मामले में मृतक के सुसाइड नोट के आधार पर पिता और सौतेली माँ समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मेरे दादाजी तो दादी जी मेरे पापा फोन करके धमकाते सी कभी फोन कर देना कभी इतने अगर लड़ाई झगड़ा करना गाली गलोच करते तो धमकिया वगैरह देंगे सी कि पैली च वड़ के खून खराबा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सू जलील करते सी। तो एक दिन तो किस जे कोई साढ़े ना खून बोलन हैगा किसी का उन्होंने ही साढ़े ना भड़का से लड़ते साढ़े ना तो इसलिए मेरे पापा बहुत टेंशन च रेंदे सी। तो कल रात जो घर आए तो मैं आख्या कि बेटा खाना पा दे मैं रोटी पा के बहर गया तो मैं एक फायरिंग की आवाज़ सुनी मैं अंदर आया तो दूसरी गोली पापा ने अपने सिर च लगा ली इस तरह उन्होंने सुसाइड किया। तो सारा कसूर मेरे दादा जी तो दादी जी का क्योंकि वह मतलब कि पापा ने बहुत तंग करते इस करके उन्होंने सुसाइड किया। हाँ जी हाँ जी दादा जी खिलाफ सुसाइड नोट लिख के गए ने कि मेरे परिवार को तंग ना किया जाए सब कुछ उन्होंने किया है। सानू जी इंसाफ मिलना चाहिए दादा जी कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए जो क्योंकि जिन्ना मेरे पापा जलील करते रहे ने तो मेरे पापा इस दुनिया चले गए सिर्फ उन्होंने करके। अमृतसर के राम तीर्थ में गुरु ज्ञान नाथ जी का अवतार पर्व 5 जुलाई 2015 को बड़ी श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुरु ज्ञाननाथ वाल्मीकि धर्म समाज संस्था के कौमी चेयरमैन वी निशत्तरनाथ शेरगिल जी ने वहां का दौरा किया और प्रबंधकर्ताओं को उनके काम सौंपे तथा इस मौके पर वाल्मीकि धर्म समाज संस्था के कौमी चेयरमैन वी निशत्तरनाथ शेरगिल ने लोगों से अपील की कि वह मेले में अपनी हाजिरी भरें और भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही बताया कि इस मेले में दूर दूर से कीर्तनी जत्थे अपनी हाजिरी भरेंगे और अपने कीर्तन से संगत को निहाल भी करेंगे। हाँ जी सारी संगत नु जय वाल्मीकि जी। मैं निशत्तरनाथ शेरगिल चेयरमैन गुरु ज्ञाननाथ वाल्मीकि धर्म समाज अज गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी का अवतार पूर्व है जिहड़ा उहदे संबंध में जिहड़ी तैयारी की जा रही है वाल्मीकि मंदिर ज्ञान आश्रम श्री लाल तख्त साहिब उत्ते संत बाबा पूरन नाथ जी महाराज जिन्हां दी रहनुमाई हेठ जिहड़ा सारा मेला करवाया जा रहा। माझा मालवा दुआबा होर भी भारत के कोने कोने तो इत्थे संगतां हाजरी भरनी है। रात नू इत्थे स्टेज का प्रोग्राम हैगा जिहदे विच प्रचारक कीर्तनियां जथे आल इंडिया के प्रचारक होर संस्थावां दे ਅਤੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਖੱਖ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਮੇਲਾ ਜੋ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕਿ। ਭਾਰਤ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭ੍ਰਮਣ ਪਰ ਗਈ ਜ਼ਾਂਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀ ਯੁਵਤੀ ਕੀ ਸੰਦਿਗਧ ਪਰਿਸਥਿਤੀਓਂ ਮੇਂ ਮੌਤ ਕਾ ਰਾਜ ਅਭੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਭੀ ਕੋ ਜਹਾਂ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है तो वहीं आज जाम्बिया की एम्बेसी के सदस्यों और युवती के पारिवारिक सदस्यों ने उसके शव को अमृतसर के सुप्रद एक खाक कर दिया। बताते चले कि जाम्बिया निवासी युवती 25 जून को ICP अटारी पर पहुंची थी और वहां पर उसने पाकिस्तान एम्बेसी से वीजा ऑन अराइवल की मांग की थी लेकिन बाद में उसे वीजा देने से मना कर दिया गया और एक रात वह पाकिस्तान में रही। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਵਾ ਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ
जो इतने वापस मोड़िया तो वह बीमार हो गई काफ़ी, उन्होंने होस्पिटल दाखिल कराया गया तो प्रोपर ट्रीटमेंट भी दिता गया पर डैथ हो गई सी। उसकी डैथ होने बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों स्टेट गवर्नमेंट के राही जाबियन जिहड़ा हाई कमिशन है उन्होंने सूचित किया गया सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सूचित किया गया सी ता कि उन्होंने को परिवार का जी इत्थे आवे मैंबर आवे ता कि उहदा पोस्टमार्टम जिहड़ा उह कीता जा सके। इस संबंध में जाबियन हाई कमिशन के तो ऑफिशियल्स कल आए सी, फिर उन्हां दी हाजरी दे विच इहदा पोस्टमार्टम किया गया सी ते अज उन्हां दी हाजरी दे विच ही इत्थे असीं उन्हां नूं ग्रेवयार्ड च दफनाया वा। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਜੋ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਔਰ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਾਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ CNI ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਮਿਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਾਸਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦੇ ਖਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰੋਂ ਪਰ। न्यूयॉर्क से शिष्टमंडल सिख इतिहास और सभ्याचार के बारे जानकारी जुटाने पहुंचा पंजाब। प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किए गए डिजिटल इंडिया योजना की आज अमृतसर में भी हुई रस्मी शुरुआत। जाम्बिया निवासी युवती को अमृतसर में किया सुपुर्द एक खाक। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं, कल मिलेंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।